हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन सो क्वेश्चन में बोला गया है कि इन अ ग्राइगर मार्स एंड एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू न्यूक्लियस ऑफ सेवन पॉइंट सेवन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरली टू रेस्ट एंड रिवर्स इज डायरेक्शन बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया है कि ये न्यूक्लियस है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आ रहा है ऐसे सो so, ये न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पर रुकेगा मोमेंटरली वो हमें इतना डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ये रहा है स्पीड से विद सम काइनेटिक एनर्जी फिर यहाँ पे रुकेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा सो एट दिस टाइम मोमेंटरीली उसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा सो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू ई जेड ई बाई डी एंड काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगा तो मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन अपॉइंट फोर पाई एप्सेलोनॉट टू जेड ई स्क्वा डिवाइड बाई डी देन वी कैन राइड वन अपॉइंट फोर पाई एप्सेलो नॉट की वैल्यू कितना होगा नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वेर कुलोम इनवर्स स्क्वायर तो हमें डी निकालना है सो लेट इज राइट डी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सल नॉट इंटू टू जेड ई स्क्वा डिवाइड बाई के राइट सो लेट इज पुट द वैल्यूज का वैल्यू सेवनटी नाइन है एंड काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है सेवन पॉइंट सेवन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद वन पॉइंट सिक्स इंटू टू दावर माइनस नाइनटीन सो so, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें के का दट इज़ कनेक्टेड एनर्जी कितना मिल जाएगा वन पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व ये जूल में मिल जाएगा हमें नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे अभी सो डी इज इक्वल टू नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन इंटू टू जेड का वैल्यू सेवनटीन नाइन एंड ई का स्क्वायर दैट इज़ वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के का वैल्यू कितना है वन पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर माइनस टूवेल्व सो डी का वैल्यू आ जाएगा थ्री इंटू टेन टू द माइनस फोर्टीन सो सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू थर्टी फेमटोमीटर सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजस्ट अप्रोच कितना है थर्टी फेमटोमीटर इसके बाद अल्फा पार्टिकल रिवर्स कर लेगा अपना डायरेक्शन एंड इस पॉइंट पे वो मोमेंटरी एट रेस्ट पर रहेगा So the correct answer is C. That is thirty meter I hope you understood it well. All the best.